कबीर जयंती मनाई गई उनमें भी बहुत पारदर्शिता रही थी, लेकिन इस बार हमारे समाज ने एक नई परंपरा को जन्म दिया है। लोकतांत्रिक तरीके से एक चुनाव किया गया है जो निष्पक्ष हुआ है और बड़े ही सौहार्दपूर्ण से हुआ है, उसमें किसी भी तरह की कोई भेदभाव कोई पक्षपात नहीं हुआ है और इसका परिणाम आप लोगों के सामने है। हमारे एक अध्यक्ष जो युवा इंजीनियर MBA है, इसका ये जीता जागता एक आपके सामने एग्जाम्पल है। इसके बाद दूसरे हमारी बहन हमारी बेटी शकुन बोध, जो अब तक इस प्रोग्राम जब से भी जन्म जयंती मनाई गई है उस समय एक पहले हमारी माता कलावती थी जो अध्यक्ष बनी है, उसके बाद में महिलाओं को कोई मौका जयंती में नहीं मिला, जिसका निष्पक्ष चुनाव होने की वजह से लोकतांत्रिक चुनाव होने की वजह से एक हमारी इस बार एक महिला को समाज की एक महिला को चुन के हमारे समाज ने आगे भेजा है। और जो अभी जो चर्चा चल रही थी कि महिला को भाई पीछे इतना मौका नहीं मिलता था, ये एक परंपरा आगे डाली गई है और इसको हम चाहेंगे कि हमेशा रहे। दूसरा अभी एक सवाल आपका भी रह रहा उसमें कि पिछली बार से इस बार एक सवाल तो यह कि लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव हुआ, दूसरे इस बार जो हमारी स्टैंडिंग कमेटी बनी है जो हमारे वरिष्ठ इसमें जुड़े हैं, एक नई परंपरा आई है कि वरिष्ठ के नीचे हम लोग युवा भी हैं सीनियर भी हैं, उसके बाद एक समिति का अकाउंट खुला है, जो भी पेमेंट होगी जो भी फंड आएगा वो समिति के खाते से आएगा और उसके द्वारा ही पेमेंट की जाएगी और सबके जिसकी भी जो कोई परचेज होगा उसके बिल होंगे। हम समाज को युवा टीम मैं सब ये दिखाना चाहते हैं कि पहले जो हुआ वो भी अच्छा हुआ, लेकिन बिल्कुल आपके पारदर्शिता ये होगा उसका अकाउंट उसकी सारी चीज़ मेंटेन की जाएगी। तो आपका मानना है कि जो युवा है वो अब युवाओं की बारी है, आप लोगों का युवाओं का आशीर्वाद बना रहना वो जरूरी है। युवाओं का आशीर्वाद युवाओं पे आप लोग? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये जो टीम चुनी है जो हमारे वरिष्ठ हैं उनके माध्यम से ही ये युवा लाए हैं, ये चाहते हैं कि नई परंपरा डलें कि जो नए बच्चे हैं वो सामने आए। और जो अभी हमारे अध्यक्ष जी ने कहा था इस बार हम जयंती के माध्यम से एक नई चीज़ डालना चाहते हैं, जैसे शिक्षा का दिखाना, एक व्यापार को दिखाना और उसे प्रैक्टिकल एक सांस्कृतिक रूप से हम दिखाना चाहते हैं। चंद्रमान जी अधिकतर ये देखा गया है कि जहाँ कहीं अपने जो प्रोग्राम होते हैं बाबा साहब से या भगवान गौतम बुद्ध से या अन्य सामाजिक जो प्रोग्राम होते हैं उसके अंदर देखा गया है कि कहीं कोई हमला कर देता है कोई कर देता है, तो जो आपकी जो झांकियाँ होगी उस पर आपकी सुरक्षा व्यवस्था कैसी रहेगी? जी जी जी, इस बार क्या है कि पहले भी ठीक रहा है, ऐसी बात नहीं है, ऐसी कोई बात हुई नहीं है अभी तक मुझे लग रहा है, लेकिन इस बार और व्यवस्था को सुरक्षित किया जाएगा क्योंकि हमारे साथ युवाओं वरिष्ठ और सदस्य सबकी है, क्योंकि ये जो हमारे जो मेंबर चुने ये अब अकेले नहीं है, किसी एक मोहल्ले से या किसी एक ग्रुप से नहीं है, ये पूरे समाज से चुन के आए हैं, तो इनके लिए इनका सबका साथ हमारे साथ रहेगा। जब सबका साथ हमारा साथ रहेगा तो व्यवस्था नहीं बिगड़ेगी, क्योंकि हमारा अपना प्रोग्राम है, इसे हम सही तरीके से मनाएंगे, खुशी से मनाएंगे। झांकियों के माध्यम से हम अपने समाज को उनको जागरूक करें और ज़्यादा से ज़्यादा संदेश पहुंचाएं, जो वोट बने का जो हमारा झांकियों के माध्यम से जो प्रदर्शन करते हैं उस पर ब्रेक लगाएं, DJ पे ब्रेक लगाएं, इन्हीं चीज़ों से जाकर के हमारा झगड़ा वगड़ा बनता है। रही दारू की बात, ये लोगों का अपना मत है जो करते हैं, जैसे बाबा साहब हमारे बाबा ने कहा था कि हमने 14 अप्रैल को ये दारू को ठेके सरकार द्वारा से बंद कराए थे, इस पर ब्रेक लगाएगा तो उससे काफ़ी हद तक इस पर ब्रेक लगा है, तो कोई इक्का दुक्का होता तो उसको जितना उसको हाईलाइट नहीं करना चाहिए, लेकिन हमारा संदेश कमेटी से यही होगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बाबा साहब के और भगवान बुद्ध के चित्रों को प्रसारित करके और समाज को जागरूक करने का काम करें। मेरे तो नई कमेटी से कामना है और अच्छा से अच्छा संदेश दे जो समाज में हमारे लोग जागृत हों, और बिजनेस की तरफ जैसे उन्होंने बताया है, एजुकेशन की तरफ जैसे बताया है, तो उसमें वो संदेश ऐसे जाए कि जो हमारे नई युवा पीढ़ी है उसको दिमाग में बैठे और उसकी तरफ वो अग्रसर हों और उद्योग बच्चों में चले।